कंप्लीट, और इसका ये जो नट है वो खोल के फिर इसको धीरे 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 बाहर की तरफ निकालना पड़ेगा। देखिए ऐसे ऐसे धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, ये ऐसे उतार के हल्का सा निकाल के इसको निकालते हुए, फिर बाद में ये बाहर आने के बाद इसको पीछे की तरफ धक्का मारना है अपने को, जैसे ये निकल जाता है। अभी देखते हैं अपन। देखिए ये निकल गया है, इसको ऐसे अपन धीरे धीरे करके बाहर की तरफ निकाल सकते हैं। अब ये अलग हो जाएगा, इसमें कनेक्शन आता है माइक का जो कि अपने को निकालना है, क्योंकि वो वायर टूटने का डर है, इसको थोड़ा संभाल के निकालना पड़ेगा। देख लीजिए, जी अपन इसको निकालते हैं, ये अलग हो गया। अब इसको यहाँ से धक्का मारना है नीचे की तरफ, चाहे तो आप किसी और स्क्रू ड्राइवर के हेड से या उनसे भी धक्का मार सकते हैं, या हाथ से ही निकालने ज़्यादा अच्छा है। ये देखिए इसे धक्का मार देते हैं अपन पीछे की तरफ, ये बाहर आ रहा है धीरे धीरे, ये निकल गया अपना स्पीकर आ गया बाहर। इसमें जो प्रॉब्लम होती है वो होती है ये स्पीकर, ये देखिए आप, ये थोड़ा बहुत यहाँ से पेस्ट जो लगा हुआ होता है कंपनी से आता है, तब ये हट जाता है। इसको अपन वापस अगर वैसा का वैसा चिपका देंगे फेविक्विक की एराल्डाइट से, एराल्डाइट ज़्यादा ठीक रहता है कि दोबारा चिपकाने में आसानी रहे, तो एराल्डाइट यूज करने की कोशिश करें, वरना फिर फेविक्विक से भी आप चिपका सकते हैं इसको। इसको अच्छे से दबा के सेट करके ये ज़्यादातर इसका जो बास रिफ्लेक्ट करने वाला स्पीकर है उसमें आते हैं इश्यूज, तो वो वाला स्पीकर ज़्यादा वाइब्रेट करता है, तो ये यहाँ से पेस्ट ज़्यादा निकलता है। तो अपन को केवल यही एक स्पीकर है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, दूसरा वाला ट्विटर है, ट्विटर है उसमें, ट्विटर में वैसे भी दिक्कत कम आती है।